उसने इग्नोर करते हुए ऊपर पहुंचा। ऊपर उसने देखा कि सारे कमरे बंद है लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइज, मुझे पता है मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। तो जितना टाइम मैंने लगाया है उस बीच में मैंने एक बहुत ही तगड़ी हॉरर स्टोरी निकाली है, आप लोगों को सुनाऊंगा, एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। तो ये जो कहानी है वो है कांता घाटी की। बेसिकली कांता घाटी एक नदी है, तालाब है, जो एक डिवाइड करता है एक गांव और एक जंगल के बीच के एक घर को। जो गांव है वो शहर से काफ़ी दूर है, बहुत ही सुनसान सन्नाटा सा गांव है जहाँ के लोग बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन बीच में जो गांव के पीछे एक नदी है उसी का नाम है कांता घाटी, और उस नदी के पीछे एक हॉरर जंगल है जो जहाँ की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हैं, काली कहानियाँ हैं, मिस्ट्रीज स्टोरी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा रहस्य है वहाँ पर जो दफन हो गया है, किसी को नहीं पता। और उसी जंगल के बीच में एक घर है, तो बेसिकली वो घर की वजह से पूरा जंगल ही हॉरर है। तो और जो बीच में जो नदी है उसके ऊपर पहले ब्रिज हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पर कि उस ब्रिज को तोड़ दिया गया, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ से उधर कोई ना जाए। तो काफ़ी सालों तक वो गांव बहुत ही खुश रहा, मौज मस्ती काटी उन्होंने। लेकिन एक होता है ना, मतलब लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ उड़ के आई जाती हैं कहीं से, तो उस गाँव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिसेंटली एक हॉरर स्टोरी है वहाँ की, बहुत दो बच्चों की है, ठीक है। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। तो उस गांव के दो बच्चे हैं और उनका नाम है, एक का विकास और एक का अनमोल। विकास की उम्र 18 साल है और अनमोल की 17 साल। अनमोल उम्र में छोटा है और साथ ही साथ उसको थोड़ा कम मेच्योर है, लेकिन जो विकास है वो थोड़ा एक उम्र के साथ साथ उम्र में बड़ा है तो थोड़ा चतुर और चलाक भी है। तो एक दिन जब वो बात कर रहे थे कांता घाटी की, कांता घाटी की एक खास बात भी है जो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर हमेशा ठंडी हवा चलती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे दिन में धूप हो रही है। अगर वैसे तो उस जगह पर कोई जाता नहीं है क्योंकि वहाँ का बहुत, मतलब वहाँ की स्टोरी बहुत ज़्यादा भयंकर भयंकर गांव वालों को पता है क्योंकि वो लोग शुरू से वहाँ से रहे हैं, तो चीज़ें एक दूसरे को सबको, भले ही नए जनरेशन के जो बच्चे थे उनको भी, जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते थे, तो इस वजह से वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सुना, पता सबको था कि कांता घाटी पे ठंडी हवा चलती है, अजीब सी नेगेटिव एनर्जी है, घाटी को क्रॉस कर दोगे जंगल आएगा, जंगल में भी हमेशा ठंडी हवा चलती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो यही सब बातें वो दोनों बच्चे कर रहे होते हैं, शाम के टाइम 5-6 बजे वो खेल रहे होते हैं नॉर्मली, और फिर अचानक उन दोनों में एक चैलेंज वाली बात आ जाती है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू कांता घाटी पार करके उस घर के अंदर जाके दिखा। विकास चैलेंज करता है अनमोल को, अनमोल उम्र में छोटा होता है, अब वो भी उसको चैलेंज करता है कि तू भी जाके दिखा। ऐसे करते करते वो दोनों प्लान करते हैं, हम दोनों चलते हैं, लेकिन विकास थोड़ा तेज होता है दिमाग से, तो वो बोलता है कि मैं साथ चलूँगा लेकिन उस घर के अंदर पहले तू जाएगा। तो अनमोल उसकी इस बात पे एक्सेप्ट कर लेता है उसको और बोलता है ठीक है भाई, मैं जाऊँगा अंदर। वो अपना टॉर्च वगैरह लेते हैं, शाम जैसे ही ढलने वाली होती है 7 बजे के करीब वो पहुंच जाते हैं कांता घाटी पे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है आज की डेट में पैसिव इनकम होना कितना ज़रूरी है, और ये पैसिव इनकम कहां से होगी ये तुम्हारा भाई बताएगा। कुछ नहीं करना, 1xBet एक साइट है जहां पर आप क्रैश गेम खेल के बहुत ही अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। इसको खेलना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको प्लेन के क्रैश होने से पहले अपना अमाउंट बाहर निकालना होता है, और ये गेम बिल्कुल जेन्युइन गेम है क्योंकि इसको मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूं और मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट यहां से अर्न करा है। तो आओ मैं आप लोगों को इसको खेल के दिखाता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें 1,15,000 रुपए पड़े हैं। तो यहां पर मैं अपनी पहली बेट लगाता हूं, 4,000 रुपए की मैंने बेट लगा दी। अब ये प्लेन फटने से पहले, क्रैश होने से पहले मुझे पैसा बाहर निकालना है। जाने दो जाने दो जाने दो, और भाई ये निकाल लिया तुम्हारे भाई ने, भाई 11,000 रुपये जीते सीधा। तो भाई अगर आप लोग भी मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हो तो फटाफट जाओ, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर मेरे प्रोमो कोड RAJAN7 से साइनअप करते हो तो 1,30,000 रुपये तक का फ्री कैश बोनस भी मिल सकता है आपको, और इसके अलावा 150 प्लस फ्री स्पिन्स भी ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो फटाफट जाओ भाई, जाकर साइनअप करो। वहाँ पहुँचते ही उनको वही ठंडी हवा महसूस होने लगी धीरे धीरे। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था लेकिन चेहरे पे दोनों के स्माइल थी। उन्होंने हवा, ठंडी हवा को इग्नोर करा एक दूसरे को कि लगे ना कि हम डर रहे हैं, और उस कांता घाटी को क्रॉस कर दिया। उनके पास बस एक टॉर्च था और कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन उनको होता है ना, गांव के बंदों को तैरना आता है, और इतनी बड़ी घाटी भी नहीं थी, बस एक छोटी सी नाली थी। तो उन्होंने अपना टॉर्च मुँह में रखा और कांता घाटी को क्रॉस करके वो पहुँच गए उस जंगल में।
उस जंगल में पहुंचने के बाद, थोड़ा अंदर जाने के बाद, झाड़ियों को उन्होंने साइड वाइड किया, घर ढूंढा। वो पहली बार गए थे, उनको भी ज़्यादा पता नहीं था। और उस जंगल में इंसान काफ़ी सालों से नहीं गए, तो उस जंगल की हालत भी ऐसी थी कि सारे जंगली जानवर ही थे, तरह तरह की आवाज़ें थी। लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और झाड़ियों को हटा हटा के साइड करके फाइनली वो उस हॉन्टेड हाउस के सामने खड़े हो गए। घर के सामने पहुंचते ही विकास के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था, डर अनमोल को भी लग रहा था, लेकिन वो एक दूसरे को शो नहीं कर रहे थे। तो जैसा कि विकास ने बोला था कि भाई मैं घर तक जाऊंगा, अंदर पहले तू जाएगा, अनमोल को बोला था। तो अनमोल ने उस चीज़ को एग्री करा और उसने टॉर्च लिया और वो उस घर के अंदर चला गया। घर का दरवाज़ा जब उसने खोला तो काफ़ी टाइम से वो घर नहीं खुला था, उसका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। खोलते टाइम उस दरवाजे से बहुत ही अजीब सी चर चर की आवाज़ें आने लगी। उसने इग्नोर करा और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसको उसका एनवायरनमेंट पूरा ही चेंज हो गया, क्योंकि उस घर की एक अजीब सी सड़ने की स्मेल आ रही थी और सीलन, छत की सीलन अजीब सी, क्योंकि घर में कोई रह नहीं रहा, काफ़ी सारी चीज़ें सड़ गई, तो बहुत ही गंदी और अजीब सी सड़ने वाली स्मेल उसको फील होना शुरू हुई। उसने सामने देखा जितने भी फर्नीचर थे सबके ऊपर चद्दरें ढकी पड़ी थी, उन सब फर्नीचर को ढक दिया था, लेकिन वो सब ऑलमोस्ट सड़ चुके थे। उसने उन सब चीज़ों को इग्नोर करा। जैसे ही वो थोड़ा अंदर और घर के बढ़ा, उसने सारी चीज़ों को देखना शुरू करा। अचानक उसको ऐसा फील होने लगा कि उसको कोई देख रहा है। उसके घर के ऊपर वाली मंजिल से, मतलब बीच में हॉल था और ऊपर की साइड दो चार और रूम थे और बीच से सीढ़ियाँ थी, तो उसने अचानक ऐसा फील करना शुरू करा कि कोई ऊपर से उसको घूर रहा है। तो उसने सोचा कहीं उसका दोस्त तो अंदर नहीं आ गया। उसने उस चीज़ को सोचा कि शायद वो ऊपर होगा, तो सामने वाली सीढ़ी से उसने ऊपर जाना शुरू करा। वो ऊपर चढ़ा, सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सड़ गई थी एक तरीके से कह लो, तो उसमें से भी बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो उसने इग्नोर करते हुए ऊपर पहुंचा। ऊपर उसने देखा कि सारे कमरे बंद है, लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अनमोल धीरे धीरे उस खुले हुए दरवाजे वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर डर था, लेकिन उसके अंदर एक उत्साह भी था कि शायद उसका दोस्त है तो उसको जाके वो डरा दे। लेकिन वो धीरे धीरे जब उस कमरे में गया तो कमरे का दरवाज़ा उसने खोला, और कमरे के अंदर जाने के बाद, अंदर लाइट नहीं थी, उसने उसके हाथ में जो टॉर्च था उस टॉर्च से देखना शुरू करा कि उसका दोस्त कहाँ है। लेकिन वो कमरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस कमरे की दीवारों पे अजीब अजीब से तस्वीरें बनी हुई थी, और वो तस्वीरों में जो चेहरे थे वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थे। अनमोल को वो सब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था और ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें फेसेस करके दोस्त साथ में था, इस वजह से वो अंदर भी आ गया, घर तक आ गया। लेकिन कमरे में जाने के बाद उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा, और वो अपने डर को कंट्रोल कर ही रहा था, अपने आप को दिलासा दे ही रहा था। इतने में उसके टॉर्च बंद हो गई। टॉर्च बंद होने के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतने में उसको कमरे के बाहर से एक अजीब सी औरत की हंसने की आवाज़ आई। उस हंसी को सुनने के बाद अनमोल के रोंगटे खड़े हो गए, वो डर से कांपने लगा बिल्कुल। और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आई थी, लेकिन जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, ये था कि उसको भाग के उस कमरे से बाहर निकले और अपने दोस्त के पास जाए। लेकिन वो भागने की कोशिश करता, उसको ऐसा फील हुआ कि उसके पैर ज़मीन से चिपक गए हैं। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके पैर ज़मीन से ऊपर ही नहीं हो पाए। और इतने में जो आवाज़, हंसी की आवाज़ उसको दूर से आ रही थी, वो आवाज़ उसको और पास से आने लगी। उसको ऐसा फील होने लगा कि कमरे के बहुत ज़्यादा पास वो चीज़ आ चुकी है। इतने में ही उसको कमरे के बाहर एक परछाई दिखती है, और उस परछाई को देखने के बाद बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। और बाहर खड़ा विकास जब उस चीख को सुनता है, तो वो चीख सुनने के तुरंत बाद वहाँ से भाग जाता है। इसके आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, सब कुछ ख़त्म। अगले दिन गांव के लोग और कुछ पुलिस वाले जब उस घर के पास आए, तो उस घर में सिर्फ अनमोल के चप्पल मिले और वो टॉर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। अनमोल कहाँ गया ये बात किसी को भी नहीं पता। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, और इस वीडियो पे 10K का टारगेट रहता है, 10K लाइक्स कंप्लीट कर देना। अगली वीडियो अगले दिन ही डाल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को मिलती है मोटिवेशन, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इससे मिलते हैं अगली वीडियो।